PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University. ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बचपन में मैंने भी ये गाना सुना था, पर कभी ये समझ में नहीं आया कि गाना किसके लिए लिखा था और लता जी ने किसके लिए गाया था। वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है जिसपे हम बाद में आएंगे। एक लड़ाई हुई थी 1965 में, और वो ऐसी लड़ाई हुई थी, ऐसी घनघोर लड़ाई हुई थी कि शायद इतिहास में वैसी लड़ाई कभी ना हुई हो। एक बटालियन 13 कुमाऊं, एक कंपनी चार्ली कंपनी, एक जगह रिजांगला। आइए आज मेरे साथ हैं उस रिजांगला 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी की दो बहादुर वीर, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए टीम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं उनके साथ बैठा हूं। मेरे साथ हैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड रामचंद्र साहब, और यहाँ पे हैं ऑनरी नायब सूबेदार सेना मेडल निहाल सिंह साहब। दोनों साहिबान हमारे साथ बैठे हैं। ये थे उस लड़ाई में जिसमें मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला, और वो लड़ाई जिसके बाद चीनी फौज ने अपने घुटने टेक दिए और सीज फायर करने पे मजबूर हो गई। साहब पेट्रियट में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद साहब, और बहुत अच्छा लगा आपसे हाथ मिला के। बहुत खून 2 किलो बढ़ गया साहब। आपका हमारे में बढ़ गया साहब। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। हाँ जी। रामचंद्र साहब एक बात बताइए, रिजांगला की जो लड़ाई है, ये तो ऐसी लड़ाई ना कभी सुनी, ना कभी देखी, और ना कभी आगे हो पाएगी। ये बड़ी ही मतलब अद्भुत लड़ाई थी, खतरनाक तो थी, अद्भुत थी। आप जरा उस लड़ाई के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं एक्स 13 कुमाऊं ऑनरी कैप्टन रामचंद्र यादव, गांव मोहनपुर, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा स्टेट का रहने वाला हूं। मेरी बटालियन 13 कुमाऊं जो कि रजांगला पोस्ट के ऊपर, मेरी कंपनी चार्ली, आज उसका रजांगला नाम है, उस बहादुर कंपनी की लड़ाई के बारे में मैं आज आपको बयान करता हूँ। जी। हमारी बटालियन बारामूला में ट्रेनिंग कर रही थी, अचानक आदेश मिला कि 5 घंटे के नोटिस के अंदर बटालियन को ले में पहुंचना है। जी। उस टाइम खेल चल रहा था, ट्रेनिंग से आकर के एनुअल खेल भी चलते हैं। आदेश आने के बाद में एकदम से हड़कंप सा मच गया पलटन के अंदर, और कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हुई, जवानों की कॉन्फ्रेंस हुई, और 5 घंटे से भी 20 मिनट पहले पलटन ले के लिए मूव कर की साहब। अच्छा। रास्ते के अंदर जब बर्फ देखी तो हमारे पास तो ठंडा ड्रेस, पैरों में जूता ठंडे, सर पर जंगल हैट या स्टील हेलमेट समझिए। लेकिन कारगिल में हमारे ही इलाके के सीआरपी कमांडेंट कर्नल राम सिंह उस जगह पर अपनी बटालियन को कमांड कर रहे थे। उन्होंने जब पता चला कि 13 कुमाऊं हीरों की आ रही है, तो उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया, साथ ही कुछ क्लोथिंग उनके पास जवानों से बचा हुआ सरप्लस था सनों का, वो दिया। हम खाना पीना खा करके वहाँ से रवानगी कर गए और ले के अंदर पहुँच गए। ले के अंदर तकरीबन हमने 13-14 दिन तक क्लाइमेट किया, और क्लाइमेट करने के बाद में हमको आदेश मिला 13 कुमाऊं चिशूल एयरफील्ड के ऊपर पहुँचेंगे। रात को हम ले से निकल गए हैं और करीब 10 बजे हम चिशूल एयरफील्ड के ऊपर पहुँच गए। बहुत सुंदर एयरफील्ड था। वहाँ पहुँचते ही आनन फानन के अंदर कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर जो बाद में चीफ बना टीएन रैना, ने बटालियन के जो कंपनियों को लोकेशन फटाफट बताया, और हमारी कंपनी के लिए रजांगला पहाड़ी मिली जिसकी 18,000 फीट की हाइट। मेजर शैतान सिंह क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहे थे, वो पीछे रह गए थे, लेकिन उनको जल्दी आदेश मिला कि जल्दी शॉर्ट आउट करके जल्दी आप पहुँचो। तब तक हमारे पास सुविधा एक सीनियर राम शरण पहुँच गया था, जो कि उसकी सर्विस 23-24 साल थी। जी। तो वो माना जाता है कि लड़ाई के लिए वो हर चीज़ गुर को जानता है। जी। वो हमारे पास पहुँच गया। दूसरे दिन मेयर साहब वहाँ पहुँच गए। मेयर साहब ने
पहुंचने के बाद में जमादारों को बुलाया, पहले जमादार बोलते आज नायब सूबेदार बोलते हैं जी, भेड़ा किया सीनियर अनशोच, छुपाव में बातें करी, बातें करने के बाद में बताया हमें सामने कि देखो भात्रो अरुणाचल के अंदर हमारी हालत खराब हो चुकी है। ये मेजर शैतान सिंह ने बोला। हाँ जी, हमारी हालत खराब हो क्योंकि साहब वहाँ बहुत कैद हो गए थे। हाँ। और बहुत आगे चाइना बढ़ गया था जी, तो अब हमारी कंपनी को ये टैक्स मिला है और इस टैक्स के ऊपर तो ये जो मुझे भरोसा है कि आप दादा किशन क्यों रहे जी, और आपके पास तो हिम्मत जोश जज्बात और जुनून है जी, और सुदर्शन आपके साथ है जी, तो आपको क्या चिंता है। तो हर जी सुन का साहब आप चिंता मत करिए, सिर्फ हमें आप साइटिंग बता दीजिए मोर्चों की ताकि हम डिगिंग शुरू कर दें। साइट किया तीनों प्लाटूनों को, आठ प्लाटून के लिए एक ट्रुप रहता था वहाँ पहले से ही इनका स्कॉट्स का, उनके पास तो मोर्चा खुदा हुआ था, बना रखा था सैंड बैग से, लेकिन सात और नौ हेडक्वार्टर और मोटर का पोजिशन मैं साहब ने बताया। हमने थोड़ा खोदना आस्ते आस्ते, ज़्यादा तो जोर नहीं दे रहे क्योंकि सांस फूलता है, हवा बहुत बुरी चल रही है, ठंडी लग रही है, लेकिन उसको नहीं गांवते हुए जवान अपना काम करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन कुछ किलो दिंग आ गया हमारे पास सनो का भी जी, सच कहते हैं पहुंच गया हमारे पास। हमने जवानों को इशू किया जिसमें एनसीओज वगैरह को रख दिया, कोई बात नहीं जवानों को पहले दो। पाँचवें छठे दिन फिर क्लोदिंग आ गया, तो वो क्लोदिंग हमको सनो का मिल गया। हमने डिगिंग शुरू करी और डिगिंग शुरू, पहाड़ में डिगिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है ना साहब। फिर हमने पेनियर प्लाटून बुलाई, गन कार्टन स्लैब लगाया, सैंड बैग मंगाया, बजरी थी वहाँ बजरी से भर भरा करके हमने हालात ऐसी कर लिया कि हम मुकाबला दुश्मन का कर सकते जी। उसी दौरान में हमको आदेश मिला लड़ाई से छः दिन पहले, ये कंपनी यहाँ से इस लोकेशन को छोड़ दो और पीछे वाली रिज पे आ जाओ जी। ये जब मैसेज आया मैंने मेज साहब को बताया क्योंकि मैं मेज साहब का रेडियो ऑपरेटर था जी। पूरी कंपनी के अंदर जो इंटरनल प्लाटून का जो कम्युनिकेशन था वो मेरे पास था जी। बड़ा सेट वाला अलग थे, जो लेस से लगा होता था बटालियन हेडक्वार्टर से लगा होता था। मैं साहब को मैं बोला साहब मैसेज तो ये आई लेकिन जवान नहीं मानेंगे। मैंने कहा पीछे हटना अभी, जवान नहीं मानेंगे। मैंने कहा साहब बाकी आप बात कर लीजिए कमांडर, लड़ाई से फोर्स को तो इकट्ठा नहीं करके बात कर सकता जी। मैं साहब खुद हर उस पे पहुंचा मोर्चे के ऊपर और बोला कि बेटा ऐसी बात है क्या, बोला साहब प्राण चला जाएंगे, जान चली जाएगी, जमीन को नहीं छोड़ेंगे, मेहनत से हमने डिफेंस तैयार किया है, कब तक डिफेंस छोड़ेंगे, आज इसको छोड़ा है कल कहेंगे उसको भी छोड़ो उसको भी छोड़ो, हम डिफेंस को नहीं छोड़ेंगे, मर जाए आने तो दे दुश्मन को, हम उसको सबक सिखाएंगे, ये हमारा काम है, आप मना कर दो। साफ मना कर दिया मेरे सामने कि साहब मेरी कंपनी मना कर रही है इस पोजिशन को नहीं छोड़ रही जी, क्योंकि बहुत मेहनत से पोजिशन बनाया है और ये कंपनी कह रही है कि ये मेन रास्ता है चाइना का, पगडंडी है इधर से ही यहाँ का आना जाना होता था लद्दाखियों का चाइनीजों का, और ये इम्पोर्टेंट पोस्ट है, 18,000 की हाइट है, वो 14 पे हैं, हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, हम दबाएंगे उनको जब भी वो आएंगे। कमांडर बोला ब्रिगेडियर को ठीक है, सी ओ भी बोला ठीक, जवानों की बात माननी पड़ेगी और जगह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाइट के ऊपर है, ये बात मान ले। अब मैं साहब दिन के अंदर ओपी भेजता आगे अपने लोकेशन से 1 किलोमीटर आगे, जो कि उसको ऑलरेडी वहाँ पकड़ के निकाल देता था 5 बजे ताकि उसको दुश्मन देख ना सके। दिन भर वो ऑब्जर्वेशन करता था, देखता था, देखने के बाद में वो मैसेज रात को जब दिन छिप जाता था जी, तब वो आकर हमें बताता, उस मैसेज को हम बटालियन हेडक्वार्टर को पास करते टेलीफोन के थ्रू जी। टेलीफोन लाइन बिछ रही थी, दबी हुई थी, रात को हम 500 मीटर आगे LP लगाते थे जिसको लिसनिंग पोस्ट बोलते हैं, जो कि अर्ली वार्निंग दे दे अगर दुश्मन कोई हरकत करके आ रहा है तो वो उसके बारे में हमें खबर दे, खबर मिल जाए, खबर मिल जाए जी। 17 तारीख को जब OP आया है तो उसने बताया है कि साहब 14 गाड़ी जी, 10 RT की गन अच्छा दुश्मन की आई है, इस गैप में गई है
ये मैसेज हमने हेडक्वार्टर को भेजी कि साहब 14 गाड़ी आई हैं, 10 मशीन है, गाड़ियों में ट्रुप्स था। वहाँ से ही मैसेज आया कि देखो आप लोग चौकन्ना रहना, दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है। हम कहा मैं साहब बोला कि अलर्ट हैं हम, आप इस चीज़ के तो निश्चिंत रहो, लेकिन हमारी तरफ से ये मैसेज है कि आगे ये हरकत हुई है। तो हमको साफ दिखाई देते, उनका रोड दिख रहा था जी। हमारी रात को ये हालत थी कि 8 से 1 पेट्रोल चलती थी, मोटर पोजिशन पर आती थी, मोटर पोजिशन से 7 में जाती थी, 7 से 9 में आती थी, 9 से कंपनी हेडक्वार्टर, कंपनी से फिर वापस अपनी उसमें चली जाती। इस तरीके से 7 से उल्टी चलती थी, आपस में रोटेशन चलता जी। हमारे हाल हेडक्वार्टर में थे जी। आने वाली को काम था कि इतनी दूर में ठंडे हो जाते थे, उनको बॉर्न मीटा या कॉफ़ी देना और आगे चलता कर देना कि भाई इलाके को देखते हुए जाना है, देखते हुए जाना है। कंपनी तकरीबन आधा से भी ज़्यादा जाग हुई रहती थी रात को, क्योंकि पेट्रोलिंग चल रही है सर। रात के अब वो घड़ी आती है सर, रात के 3:30 बजे 8 प्लाटून के आगे LP पे लगाई हुई LMG से एक लंबा ब्रश कम से कम भी 22-23 गोलियों का एक साथ ब्रश फायर, लंबा ब्रश। साथ ही वेरी लाइट लाल का फायर आता है जी। लाल का फायर आ गया तो इसका मतलब महा खतरा है, आगे से खतरा। कंपनी एकदम से भड़ाक देसी मोर्चे में चली, किसी ने देर ही नहीं लगाई क्योंकि पेट्रोलिंग चल रही थी और वेरी लाइट का फायर हुआ। LMG की आवाज़ थी, जो 1-2 गनर सो रहा था उसकी भी भड़ाक दिया आँख खुल की, कानून आवाज़ तो पहाड़ गूंजता है जी। तो जवान मोर्चे के अंदर अब ये हुआ कि कहाँ से आया, क्या हुआ। मैं साहब बोला रामचंद्र पता कर का, मैंने कहा जी ये 8 से आवाज़ आई है, नहाल की जो LMG लग रही है उसके नीचे से आई है, मुझे मैं पता कर रहा हूँ। मैंने फ़ौरन 8 को कॉल किया, 8 ने जवाब दिया कि LP से फायर हुआ है, दुश्मन की नफरी 10 की थी, 8 या 7 वहीं पड़े हैं नाले में ख़त्म हो गए, 3-4 भग गए। LP ने 7-8 वहीं पर ठोक दिया। वहाँ ठोक दिया जी, ठोक दिया बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो मारे थे ऐसे ऐसे ही नाला, इधर भी हाइट इधर भी आज नाले से आ रहे, नाले में बीच में से आ रहे, उनको क्या पता कि उन्होंने LP लगा रहा कि दुश्मन ठीक है। और मैंने अपनी LP अपने लोकेशन में बुला लिए, बोला ठीक किया साहब, देखिए साहब ये वक्त आ गया है। बोल साहब आप चिंता मत करिए, हरिराम ने कहा कि आप चिंता मत करिए, सुल जाओ, हर चीज़ का माहिर हर जगह पे उसको फेंक दो, अब्बल काम करने वाला, और शेर अपना कमांड पोस्ट के अंदर खड़ा हो गया। मैं बात करके 7 से पूछने ही वाला था तो 7 का टेलीफोन आ गया। मैं साहब को बता रामचंद्र, हाँ को साहब क्या बात, बोलो हमारे सामने करीब 500 की नफरी में दुश्मन ऊपर को आ रहा है। अच्छा। और हमको साफ दिखाई दे रहा है बर्फ के अंदर चलते हुए दिख रहा है, बोलो नफरी है करीब 500 के करीब। अच्छा। मैं साहब ने बोला कि सुधराम साहब आधी बटालियन झोंक दी उसने, मैं आप बता रहा हूँ। हाँ। सुधराम साहब ने बोला मेरी मेज साहब से बात करा, मैंने कहा ये मैंने कहा साहब बात करिए। मैं साहब बोला सीताराम साहब, बोला साहब बोला आज के दिन ही तो हम हैं, बोला साहब आप चिंता मत करिए, ये बहादुर तैयार हैं, हमारी मार में तो आने दीजिए। जब 300 गज के अंदर आया है तो 3 लाइट मशीन गन उनकी, 2 लाइट मशीन गन 9 प्लाटून की उनको कवर देने के लिए, 5 लाइट मशीन गन उन्होंने जब उस नाले में फायर किया है, 7 इंच मोटर ने 7-3 इंच मोटर को आदेश दिया जी। कि कोड वर्ड मैना, क्योंकि उस गैप का नाम मैना दे रखा था जी। 10 राउंड फायर 3 इंच को क्या दिए, गमा गम कॉपी के आदेश के मुताबिक ही वो अटैक ना कर। ये अटैक नाकाम है, बहुत ही दुश्मन का मार मिंट इतना भारी आया साहब कि हमारा जो 20 फीट का बनाया हुआ शेल्टर था जवानों को आराम करने का वो भी उड़ गया, वायरलेस सेट भी उड़ गया, 62 सेट होता था पहले जी, 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 भारी जी। वो भी उड़ गया, एरियल भी उड़ गया, और जो लाइन बिछी हुई थी हमारी वो भी कट गई, और एक दूसरे को बात करने का मौका नहीं दे रहा। साइड से हवा, ऊपर से गोला, दो साइड से आदमी खिंच जाता है तो क्या करेगा, यही करेगा कि आगे क्या सोचा जाए।
मेरे साहब ने कमांड पोस्ट से कहा कि बेटे धैर्य रखना, धैर्य रखना, कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, हमारी फायर मांगा आरटी से। आरटी को मिलाया, आरटी से फायर मांगा। देखो मैं सच बताना पड़ेगा, हालांकि उसको मिला है, कुछ बहादुरी मिली है, लेकिन मैं तो कहूँगा और मैं आगे भी ये कहता हूँ कि कहना चाहिए भी। हमने आरटी का फायर मारा, पहला गोला हमारा कुक हाउस में आके पड़ा, खुद के कुक हाउस में। गोला पड़ते के साथ मेरे साहब इस चीज का बहुत क्वालिफाइड था साहब, मेजर शैतान सिंह। बोला रामचंद्र क्या हुआ? मैंने कहा अपना ही कुक हाउस पर आ गया। फौरन आरटी को बोला स्टॉप, क्या दिक्कत है? बोले जी हमारे आगे तो क्रेस्ट अड़ गया, क्योंकि वो जो पहाड़ी है ना वो अड़ गई। बोले बंद करो अपने को, फायर नहीं करोगे, मेरे पास 3 इंच मोटर है, आरटी का फायर बंद हो, टैंक हमारे पास है नहीं, 3 नोट 3 उसको करो, वो कॉक वाली जो एक राउंड है ने, हमारे कमांडरों ने एक बार दिमाग से काम लिया जी, कि जवान जो राइफलमैन था जी, उन जवानों का अमनेशन भी लाइट मशीन की मैगजीन में भरवाना शुरू कर दिया कि ये मशीन गन ही काम करे। इतनी देर में आवाज आ गई यार प्लाटून से कि ये हमारे ऊपर हमला आ रहा है, करीब 500 आदमी, फिर 500 ने अटैक कर दिया, हट को हमले पर हमला, हमले पर हमला। बोला कि सुजा ना हरिराम साहब, बोले साहब आने दीजिए, मेरे को अभी भी आता है तो हंस के बोला आने तो दीजिए इनको, बोले कैसे। और वही हाल हुआ, 2 लाइट मशीन गन 9 प्लाटून की और 4 मशीन गन 8 प्लाटून की और 1 निहाल की जी। इतनी लाइट मशीन गन लगने के बाद में दुश्मन का आगे बढ़ना मुश्किल है। बिल्कुल, वो 14 से चढ़का रहा, हम 18 पे जी, नाना मला शांत काम हो गया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हुआ। मैं साहब बोला भाई पता कर कितने बम्बारमेंट से जख्मी हुए, क्या कुछ हुआ? पता किया तो 7 से कुछ आए, 5-4 को चोट लगा है, 8 से बोला कि साहब जिसको लगी सबको पट्टी कर दिया है, नथिंग असिस्टेंट ने, 9 के ऊपर कोई वार नहीं आया था जी। हेडक्वार्टर के ऊपर आया तो वो मैं साहब के लगा था, यहाँ मैंने खुद अपनी पट्टी से बैंडेज कर दिया। मैं साहब बोला अरे कुछ नहीं, लड़ाई में होता है। मैं बोला साहब नहीं, ऐसी बात नहीं है, खून निकल जाएगा। फिर 7 प्लाटून से खबर आती है कि साहब दुश्मन फिर आ गया और नफरी ज्यादा है। बोले सुजाराम साहब, बोले साहब आप क्यों चिंता करते हो, आने देते हो, वही हाल करूंगा जो पहले किया। आपके 200 गज पानी दिया और फिर फायरिंग खुला, वही भेड़ बकरी की मार्केट लूट गई। तो लगातार फायरिंग हो रही है साहब LMG से और चाइनीज फौज कटती चली जा रही है। मैं इन्हें कहता हूँ कि मारी बैरल लाल होगी, फायर करते करते फायर कट करते जी, बैरल लाल होगी। अच्छा, फायर करते करते रो, जब बर्फ गिर रही है बैरल लाल हो रही है, तो आप देखिए कितना फायर हो रहा है, कितना फायर हो रहा है। सही बात है। लड़ते लड़ते 3:30 बजे से 7 बज गया और उस बर्फ में लड़ना और इतना लंबा लड़ना और सपोर्ट नहीं होना, वो तो एक बहादुर का काम है जो लड़ाई लड़ सकता है, कुछ तो नहीं लड़ सकता। किसी जवान के मुंह से ये नहीं निकल रहा कि मेरे चोट लगी, वो बोल रहा आने तो साहब दोनों हमला नाकाम कर दिया, 15 मिनट तक हमको उगलने नहीं दिया। और जब 15 मिनट के बाद में हमने 7:30 बजे थोड़ा सा उजाला हुआ, बर्फ तो गिर गई थी, इतनी बर्फ गिर गई पोस्ट के ऊपर, जब थोड़ा सा उजाला हुआ तो हमारे पीछे की रिज थी जिससे हम आते थे चल करके, उस रिज के ऊपर करीब 800 की नफरी यॉर्क घोड़ा लिए हुए एक लाइन में ऊपर ने चढ़े हुए। चढ़ते के साथ हमने सोचा कि कंपनी मदद के लिए आ गई, जो हेडक्वार्टर में कंपनी है अल्फा कंपनी, वो हमारी मदद के लिए आ गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो याक देखा हमने अच्छी तरीके से बैनाकुरल लिया, मैंने साहब बैनाकुरल लिया, मुझे शक है कि चाइनीज दिखे थे, जब उसने देखा बोला रामचंद्र चाइनीज है ये तो हमारे पास। तो सब उस वक्त टाइम कितना हो रहा था? 7:30 बजे सुबह का टाइम है। सुबह 7:30 बजे ना, 7:30 रोशनी हो गई थी, रोशनी हो गई थी, सही बात है। बर्फ गिर भी रही, बर्फ गिरी रही है जी, गिर रही है, लेकिन सफेद बर्फ है तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमारे फौज के पास तो यार क्या क्या काम, हमारा उनका फासला 500 गज का जी, 500 गज का फासला। 3 इंच मोटर को आदेश दिया कि 80 डिग्री पर, 80 तो तकरीबन अपन ऊपर ही, बिल्कुल यही हो गया, यही हो, तो अपनी परवाह ना करते हुए रैपिड फायर। जब वो बमारमेंट हुआ उसमें से
आठ दस तो घोड़ा घाड़ा वो हथियारों को लेके भाग गए, लेकिन चार मशीन गन और आरसीएल लगाने में वो कामयाब हो गए। अच्छा। और उन्होंने फायर करना सात पे आठ पे और हेडक्वार्टर पे शुरू कर दिया। मेजर साहब के तीन गोलियां जब तक लग गई थी। मेजर शैतान सिंह को तीन गोलियां लग चुकी थी। मेरे को पता है लग गई थी बिल्कुल भी। और जब भी मैं वो कह रहा था, जब मानता नहीं था, बोलो कुछ नहीं है तो, बोला मैं साहब तो मतलब आप ही कह रहे थे कि मेजर शैतान सिंह को तीन गोलियां लग चुकी। आपने बोला साहब आपको गोली लगी, वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। बोला रहने तो कुछ नहीं है, बोला तुम आगे का प्लान करो। मैं अब वो गुस्से में आ गया कि राइफल लिया मेरे को। मैं बोला साहब मैं फायर करता हूँ और इस मशीन गन का मुंह बंद करता हूँ, मुझे दे। बोलो कैसे दिलेर मैं साहब मेरा हाथ से राइफल खोस करके और ठीक से इस लेके मारा। जो लाइट मशीन ना उनकी मीडियम मशीन गन फायर कर रही थी, नंबर वन खत्म। मेजर शैतान सिंह ने एक को गिराया, वो गिरा और गिराते के साथ में मैं शैतान सिंह खड़ा होकर के करीब चार कदम ही आगे निकला था। मैं बोला मैं साहब पोषण, लेकिन वो सुनी नहीं बम्बारमेंट में, क्यों हमारी मोटर भी फायर कर रही है, सब फायर चल रहा है। और उनकी दूसरी मीडियम मशीन गन का ऐसा ब्रस्ट आया कि उसके यहाँ लगे मेजर शैतान सिंह के, उसके खुद के ग्राउंड भी अंदर चले गए। हाँ। और वो भी चले गए सारी यहाँ तक फाट गई, बेल्ट बंद रहा। मैं साहब गिर गया, गिरते के साथ मैंने पहुँचा। गिरता हरफूल ने देख लिया, हरफूल बेहोश, और कभी होश में आता। बोला रामचंद्र एक बात सुन ले, टाइम बहुत नाजुक आ गया है, एक चीज का ध्यान रखना। मैंने कहा बोल भाई हरफूल, जो तू कहता है वो करूँगा। मेजर साहब को नहीं दे देना दुश्मन को। मेजर साहब की बॉडी चाइनीज आर्मी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगनी चाहिए, चाहे जिंदगी जख्मी हो चाहे खत्म हो जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपको बताने के लिए। मैंने कहा साहब आप मैं जिंदा रहा तो मेरे साहब की डेड बॉडी नहीं दूंगा। मैं मेरे साहब के पास पहुँचा, मैंने कहा साहब लग गई चोट। बोलो रामचंद्र ऐसा है मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। बोलो मेरे बहुत दर्द हो रहा, मैं अंदर डाला ऐसे कोट पार का माँ के तो देखा तो आते तो यहाँ बेल्ट के नीचे दबी हुई बाहर निकले। ओहो आते निकल चुकी थी, इसलिए कह रहे थे दर्द हो रहा है। मैं बोला मैं अपने मन में सोच लिया मैं साहब अब बच नहीं सकता। फिर बोला कि मैं साहब की रामचंद्र एक बात मेरी मान, आखिरी घड़ी आ गई। ऐसा कर नौ प्लाटून से जवानों को लिया, ये जो हमला आठ पे जा रहा है हम पीछा से करें, उधर से आठ फायर करेगी इसको बीच में मारेंगे। मैं अपना मन में सोच रहा कि हालत ऐसी होगी ऊपर जान की, और अभी भी आदेश दे रहा है ये हमारा कमांडर क्या है, भगवान है। अपना दिल में सोचा मैंने, मैं वहाँ से जवानों को लिया, तीन चारों को LMG लगाई और LMG लगा के फायर शुरू किया। वहाँ दुश्मन का करीब 50-60 का नुकसान होगा, लेकिन वो कामयाब होगा। नकली बहुत ज्यादा थी। उधर सात प्लाटून से खबर आई कि साहब हम को हमारे पास दुश्मन पीछे से आ गया, हम मोर्चे से बाहर निकल रहे हैं। बोल दादा कृष्ण की जय। उस जय के बाद में ना एक जवान बचा और ना अगली आवाज आई। सब आप बात कर रहे हैं सेवन प्लाटून के, सात प्लाटून। हाँ जिसमें सात प्लाटून पूरी साफ हो गई, पूरा का पूरी। एक भी आदमी नहीं बचा, एक बचा नहीं, एक भी नहीं बचा उसका। एक जवान भी नहीं बचा का होगा कोई। लड़ा वो ऐसे कि मोर्चों से निकल गए और बैनेट मारना शुरू किया, तो जब कोट पार्का में नहीं गया, चाइनीज आर्मी का मोटा कोट पार्का होगा, कोट पार्का, तो बैनेट से मारना, बट से मारना शुरू किया। जब बट से भी ना पार पड़ी तो मैं देख रहा हूँ कि सिंहराम ने दो चाइनीज को पकड़ करके ऐसे सिर मार रहा बराबर और पत्थर पे मारा मैं। हाँ। अब घना के आगे अकेला क्या करेगा साहब, जब 300 के आगे 25 जवान क्या करेंगे। आखिरी राउंड और आखिरी जवान शहीद होगा, वहाँ से जख्मी भी नहीं आया एक भी। वो प्लाटून दादा किशन जय बोल करके और बता दिया कि हम तो आ रहे हैं, हमारा काम था वो पूरा कर चले, और पूरी की पूरी प्लाटून शहीद हो गई। शहीद हो मेजर साहब आपके साथ। मेजर साहब को ले लिया मैंने गोदी में। हाँ। कभी मेजर साहब नीचे कभी मैं ऊपर, क्यों उठ जाऊं तो मारे साथ प्लाटून वाला हाइट पे है। हाँ। मारेगा छोड़ेगा नहीं। हाँ। और जब थोड़ा नीचे नाला में था, जब मेजर साहब को लिया है उठाया है और नीचे गया हूँ, और नीचे जाने के बाद
मेजर साहब को लिटाया है बड़े पत्थर के पास, 6 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। नजर मारी मेजर साहब की, नब्ज आवाज थी 8:15। घड़ी बंद हो चुकी थी, 8:15 दुश्मन का कब्जा हमारे पोस्ट पर हो चुका था। वहाँ मेजर साहब को ऐसे उठाया है, हैंड ग्लोव एक साइड में रखा है। वो तो कोट पार का बने होंगे? हाँ, कोट पार का बने। अच्छा अच्छा। टोपला उठा दिया। अच्छा अच्छा। खत्म हो गया, मैंने उठा दिया, बर्फ से सारा को दबा दिया, खून निकल रहे था। अब सोचू उम्र 20-22 साल, सिपाही वैसे जी, लड़ाई पहली जी, बड़ा दिमाग, क्या कर क्या सोच। मैं साहब को यहाँ से उठाऊँ तो तेरे से चले नहीं, दुश्मन की पेट्रोल आ रही है उधर से, तेरे को पकड़ेगी। मैं वहाँ से चला के फिर हेडक्वार्टर में, क्वार्टर मास्टर राशन ऊपर भेजता है, तो मैंने कहा वहाँ से आदमी ले आऊँगा, धोबी होगा, नाई होगा, और मैं साहब के लाश को जाऊँगा। इतनी देर में एक हौलदार पीछे साहब सुरख सुरदार का जख्मी वो भी आया, और मैं बोला साहब इनके पास बैठे रहो और मैं कोशिश करता हूँ नीचे से आदमी ले आऊँ। बोले ठीक है भाई, लिया, इंतजार करके वो भी आ गया। मैं नीचे आया तो नीचे आग लगा रहा, राशन जल रहा है, क्लोथिंग जल रहा है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। जीप आती दिखाई दी, जीप मेरी तरफ आई, फटाक दे उसने पहचान लिया, बहन खोले चुके हमारा आदमी है आके। मैं बोला भाई एक काम कर, ड्राइवर को जानता था अच्छी तरीके, तू ये काम कर कि मेरे साहब की लाश है उसको कर। बोल भाई ऐसा वो कर आदेश है, जल्दी बैठ गाड़ी के अंदर और बटालियन हेडक्वार्टर। बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचा, एडजुटेंट साहब डी डी शुक्रानी आज रिटायरमेंट जनरल से हैं, और सी ओ जो आज सुरक्षेदार के एच एस धिंगड़ा, दोनों से मिला। बोलो जवान, मैंने कहा साहब हाल, बोल बैठ गाड़ी में, बैठ बैठे बैठे रहे, वो भी दोनों बैठे बर्गेड कमांडर के पास। हाँ बोले बेटा क्या हुआ? मैंने कहा साहब कंपनी पूरी शहीद हो गई है, अब हम अलर्ट हो रहे हैं कि भाई कहीं हमला इधर भी ना आ जाए। बिल्कुल, डरते को तो सब चीज होती है, पूरी बटालियन स्टैंड टू। टैंक आ गया था हमारे पास उसी दिन, हवाई जहाज से टुकड़ों टुकड़ों आया था, उसको असेंबल किया और जो गैप था उसमें उसको लगाया, RCL गने 8 RCL गने लगाई, मतलब पूरा बंदोबस्त किया गया हेडक्वार्टर पर, कोई कारण हमला ना हो जाए। लेकिन हेडक्वार्टर पर नहीं हुआ, दुश्मन का तो पहले ही जान निकल चुकी थी, जिसकी इतनी बड़ी कैजुअलिटी हो जाए जिसमें ऑफिसर भी निकल जाए और ऐसी मार पड़े कि वो आज तक याद रखे, वो आगे नहीं बढ़े। कितने दुश्मन के कितने मारे साहब? 1000-1300 कितने? नहीं, 1300 जवान, 1300 जवान, 1300 जवान दुश्मन के, चीनी आर्मी के, चीनी आर्मी खत्म कर दिए। खत्म उस रात के अटैक में, उस रात के अटैक में 3:30 बजे से और सवेरे 7:30 बजे तक ये फाइटिंग हुई है, और उसके दौरान में 8:15 बजे उसने पूरा कैप्चर कर लिया। इसके बाद में 1 महीना के बाद मेरे को दिल्ली बुलाया। आपको? आप जी दिल्ली, एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल, 1 मेजर साहब, अमेरिका के राजदूत बैठे, मेरे को बैठा, 2-3 हम और थे बैठ के, वहाँ बातचीत मेरे से पूछने लगा। मैंने पूरी जो कहानी थी उनको बताया, 1300 जवान चयनित के ख़त्म हो गए। ब्रिगेडियर साहब ने मेरे को बोला हिंदी में, रे सिपाही तेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, कैसे मार देगा? मैंने कहा था मेरा कोर्ट मार्शल क्यों होगा, मैंने लड़ाई लड़ी है, मेरा कोर्ट मार्शल क्यों होगा? इसका मतलब, कोर्ट मार्शल का मतलब तो डिसमिस फ्रॉम सर्विस और सिविल सजा, हमने लड़ाई लड़ी, हिम्मत है तो देखो मौके पर जा करके। और करके सलूट में बात ही ना सुन, मैंने कहा मैंने ये लिखवा दिया है 3 दास्तां, मेर साहब की लाश, मेर साहब की घड़ी, मेर साहब की डेड बॉडी। अगर डेड बॉडी को उठा ले गया तो पत्थर मिलेगा, उसके ऊपर खून मिलेगा, मेर साहब की निशानी ये है। मैं तो ये कहता हूँ इस कुमाऊँ ग्रुप को जो हमको पहाड़ों में ट्रेनिंग गई, हमारे जवानों ने इसकी शिकलाई उन कमांडरों की और एनसोजों की पूरी की पूरी चाइना के सामने शीशा रख दिया और उनका मुंह तोड़ दिया, घुटने टेक दिए उनके, घुटने टेक, दूसरे दिन बगैर किसी की लाग लपेट के शीश पर रख दिया उसको।
हमने तो नहीं कहा ना उसको, अमेरिका ने भी नहीं कहा ना, चाइना ने भी नहीं कहा ना, खुद ही किसी ने नहीं कहा। ठोकर लगी बुरी, दर्द होता है जिसका इतना एक ही झटके में हो गया। उसका दिल था कि अरुणाचल में बढ़ रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ भी एक सूर बैठे हैं। बिल्कुल, क्या होगा। और वो उसको नतीजा दिया। आपने भी लड़ाई, बिल्कुल आप लड़ाई में थे, आप LMG पे थे, पर मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आपकी मेजर शैतान सिंह साहब की क्या यादें हैं? 13 कुमाऊं में जब रदांगला कंपनी, ये चार्ली कंपनी थी जी, तो उस टाइम रदांगला उस पहाड़ का पोस्ट का नाम था जी। उस पोस्ट पर रदांगला कंपनी बड़ी, उस पोस्ट पर हमने लड़ाई लड़ी तब जी। अब भैया रदांगला कंपनी हिंदुस्तान में रदांगला कंपनी एक ही है 13 कुमाऊं में जी, और बाकी चार्ली कंपनियां और जैसे हर बटालियन में चार्ली बोलते हैं, सिर्फ 13 कुमाऊं में रदांगला बोलते हैं। इसको भी चार्ली ही बोलते थे जी, लेकिन पहाड़ी जिस पर लड़ाई लड़ी जी उस पोस्ट का नाम था रदांगला जी, इसलिए ये हुई जी। मेरा मोर्चा, मैं लाइट मशीन गन LMG पर था, मेजर साहब ने कंपनी हेडक्वार्टर में ले रखा था जी। मेजर साहब के बैंक जो टेंट लगा हुआ था खोद कर गोल वाला मंगोलियन, उसके एक नाला ये आता था 8 प्लाटून की तरफ, एक नाला 7 प्लाटून की तरफ जाता था। ऐसे रिज था, ये चीन की तरफ, ये रिज पर यहाँ पर 9 प्लाटून कंपनी हेडक्वार्टर, यहाँ थ्रेंथ मोटर, यहाँ 7 प्लाटून बाई तरफ, दाहिनी तरफ 8 प्लाटून जी। 8 प्लाटून का लद्दाख स्कॉट ने कुछ वो बैंकर वैंकर बना रखे थे जी। जब ही जैसे रात को 3:30 बजे जी, जैसे रामचंद्र साहब ने पतलाया जी, एक लंबा ब्रस्ट आया और फिर ये फिर वहाँ फिर, तो मेजर साहब ने संतरियाँ तो रखते ही थे जी, हर मोर्चों के पास अपने अपने प्लाटून के संतरा रखते थे। मेजर साहब ने जब आदेश दिया तो पूरी कंपनी स्टंट जी, मतलब अपने अपने मोर्चे में जी। जब अपने अपने मोर्चे में थे तो जैसा कि साहब ने बतलाया है, एक बार हमला नाकामयाब किया जी, दो बार भी किया जी, जैसे कभी 7 पर किया तो कभी 8 पर किया जी, बिल्कुल कभी उन नालों से कुछ आदमी नालों से दोनों तरफ आकर हमारे पीछे की तरफ भी आ गए जी, और पहाड़ के पीछे से भी, बाएं से भी आ गए और दाहिने से भी जी। जाट का पोस्ट, 5 जाट का पोस्ट सागला पोस्ट पर था जी, सागला गांव नीचे गैप में है जी, हमारा जी वाला जा क्यों का जी, वो सागला गांव की तरफ से आगे और जाट की तरफ से पीछे नीचे से हमारे पीछे आगे जी, और सामने नालियों से भी आगे। जब फायरिंग तो शुरू हो ही गया था, मतलब एक हमला दो हमला जैसा जैसे आपने बतलाया इस तरह से चलता रहा जी। मेरी LMG ऐसे सलो बनता था जी, ये नहलाता था ना तो यूं सलो बनता था, मेजर साहब का टेंट यहाँ और ये सलो पर यहाँ पर मेरा मोर्चा था। तो मेजर साहब बोला, मेजर साहब को तो पूरी कंपनी को हैंडल करना जी, तो बोला निहाल सिंह इधर से दुश्मन, तो हम मोर्चे में 2 आदमी थे जी, खवासपर गांव का रामनेर और मैं। जब भी जैसे उनके सामने से वो पहाड़ था ना यूं जी, उस तरह से फहर आ रहा था, तो जो नाले से आ रहे थे जो दिखाई दिया, क्यों हम तो ऊंचाई में थे जी, जो दिखाई दिया उसको हिट। अच्छा, कितने ही आदमी मारे हैं, जब 1300 आदमी मारे हैं जी, 114 आदमी हमारे शहीद हुए जी, 5-7 हम बचे थे, 121 तो टोटल ही था जी, मेजर साहब को लगा कर जी। अब बताइए एक के हिस्से में कितने आए, किसी की ये गिनती थोड़ी थी, अगर रामचंद्र साहब ने कितने मारे या निहाल सिंह ने कितने मारे जी। भैया अपना अपना लड़ाई के अंदर ट्रेनिंग होती है हमारी हिंदुस्तान में जी, लड़ाई की, तो लड़ाई के टाइम पर हर जवान हर कमांडर अपने समझ बूझ से काम करता है जी। नेदर साहब का काम अलग अलग जगह था, वैसे दिलावर आदमी था जी। नेदर साहब ने जब ये लड़ाई घमासान हो रही थी, ज्यादा हमारी कैजुअलिटी हुई है जी बम्बारमेंट से जी, हमारे तो थ्रेंच मोटर ने बहुत नुकसान किया उनका, तो मैं LMG से ऐसे उनकी तरफ नाले की तरफ जो अच्छा। आ रहे थे उन पर फायर करता था अच्छा।
यूं ही उधर जब फहराया तो वो जो पीछे आ रहे थे ना, उन्होंने मेरे मोर्चे पर वो फेर किया, फहराया तो सैंड बैग में लगा, सैंड बैग मिट्टी के भर के तब बना रखा था मोर्चा, जो ही लगा तो एल एम जे का टर्न यूं किया ना मैंने, तब एल एम जे का टर्न यूं किया जी, तो मेरे दोनों हाथों में गोली लगी, गोली लगी थी, तब ये गोली यहाँ लग कर जी, और ये यहाँ लगी, देखिए कितना क्रिएट पोजीशन था ना। जी जी जी, एल एम जे यूं किया ना जी, यहाँ लग कर और ये निकल गई, ये निशान रहा बिल्कुल, ये देखो ये इतना टेढ़ा हो गया हाथ, और यहाँ लग कर और ये निकल गई जी, एल एम जे का पट पकड़ रखा था जी, और गोली लगते ही मैंने एल एम जे के ताल वाले वो खींच कर और एल एम जे का पिस्टन ग्रिप और दस ब्लॉक दूर पत्ते में फेंक दिया, कैजुअलिटी होते ही हाथ दोनों में गोली लगी जी, तो मैं बैठ गया ना नीचे जी, तो दुश्मन को कलेजा चाहिए का अभी तक तो फेर कर रहा था, इतना कलेजा चाहिए सामने आने के लिए, मेरे पास आते तो लात भी मारता, ये यकीन करो 79 किलो 180 किलो मेरा उस टाइम वजन था जी, और एक फैट मारता तो 4 कदम दूर जाता, उनका 5 फुट से ऊंचाई किसी की ज़्यादा नहीं है, शरीर पतला है, तो जब वो मोर्चे में मेरे को आकर भैया तो बिल्कुल उन्होंने सोच लिया कि यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तब मेरे मोर्चे से मैं आकर मेरे को मोर्चे से बाहर निकाला, मेरे दोनों हाथों में यहाँ से कोट बार का तो मैं पहन रखा था जी, इधर से भी खून, इधर से भी खून, अब बाहर निकाल कर तब वो मेरे को बाहर निकाल कर पकड़ कर यहाँ से और जाए तो इधर हाथ ना लगाऊँ, खून आ रहा था ना, फिर वो बातचीत पूछे, हमारे सी ओ साहब का नाम पूछा मगर नो अंदर, मैं फिर उसके बाद में कुछ नहीं पूछा, वहाँ से ले जाने लगे तो मैं क्यों वो जूँ क्यों, अब जब मुर्दा हो जाता है तो उस समय वजन भी हो जाता है, फिर वजन फालतू था ही जी, तो कभी दो आदमी फिर चेंज करें फिर करें, कोई इधर से पकड़े ले गए तो वो अपने पोस्ट पर आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे को शाम को करीब पता नहीं 6-5 बजा था 5:30 हुआ था वहाँ पर ले गए, जब वो ले गए तो वहाँ पर मैंने देखा तो उन्होंने जूँ ही मेरे को यूँ खड़ा किया ना यूँ जी, तो परमात्मा जो है बहुत, वो कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वाला तेज होता है जी, यूँ ही उन्होंने मेरे को यूँ खड़ा किया जी, और यकीन करो मेरे दिमाग माइक टू गिर जा, मैं साहब ऐसे खड़ा किया तो मैं सीधा का सीधा यूँ गिर गया, जब मैं गिर गया तो उन्होंने मेरे यहाँ पर हाथ रखा, अब भाई इसमें कुछ दम है या नहीं, मैंने सांस को ही रोक दिया इस तरह से ना, अब ना तो अंदर ही अंदर मतलब उन्होंने ये जजमेंट हो गया कि भाई ये तो गया, तो तब तो एक संतरी यूँ मेरे एक आदमी घूम रहा था, अब रात को दो संतरी होते ही भूखा प्यासा रात होगी जी, अब टाइम का तो पता नहीं साहब कितना था, मखा भाई देखो लेकिन परमात्मा समझ देने वाला है, मैं रात को ना वो संतरी यूँ घूमते रहे जी, यूँ और कभी यहाँ से बात करें थोड़ा सा दूर होकर बात करें, तब ऐसे घूमते रहे तो मखी यार ये तो संतरी ये तो घूमते रहते हैं, कभी उनकी बातें उनकी बात समझ में आवे ना, वैसे बोली आवे थी जी, अगर भैया बातचीत कर रहे हैं, मैंने क्या कहा या मगर देख जाएगा, ये कई बार यूं चक्कर लगाते हैं तेरे, अब अपनी तरफ ना हमारी तरफ लगाते हैं, अगर भाई हिंदुस्तान का कोई आदमी आ जाए ना तो अपनी तरफ उधर ने रह के ना यूं चक्कर लगाते, मैं जब साबुन उन तक लगा कर वो ऐसे हो गए ना जी, पता नहीं कितना फासला हुआ मेरे को उनका अंदर में देखा था जी, उनकी आवाज़ ना आई जी, मेरे को सुनाई नहीं थी जी, मैं वहाँ से उठ कर जी, ये ऐसे पोजीशन था तो इस हाथ को ये तो हाथ को मैं को ये यकीन था कि हाथ तो निकलेगा जी, इतना भारी हो गया जी,
ऐसे पकड़ कर उनमें खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा चीन की तरफ दिल्ली की तरफ हुआ उल्टा। अब भाई सामने से लगे हुए हैं और हमारा सख्त पहाड़ था स्लोप यूं दाहिनी तरफ जी, और पगडंडी हमारे यूं यूं जाते थे ना जी, वो बाई तरफ थी। मैं थोड़ा पीछे की तरफ मगर यहाँ आगे की तरफ चला गो तो वहाँ पर फिर मारेंगे। मैं थोड़ा पीछे हटकर और अपना अंदाजे से फिर दाहिनी तरफ से सख्त पहाड़ था ना आहिस्ता आहिस्ता यूं पकड़ कर चला और फिर उस पोस्ट से आकर जू ही में ऐसे ये सफर था ना जू ही अपनी तरफ ढलने वाला ही था। करीब करीब थोड़ा ही फासला था तो उन्होंने पांच रोशनी के फेर किए जी। तो मैं कोट पार का अस्तर हमारा एक तरफ हरा और एक तरफ सफेद सफेद जी, वो सफेद वाला था तो वो बर्फ से मिला ही था। मैंने सोचा यार भाई हाथ तो तेरा जाएगा, चलो बच तो गया, अपने दिमाग लड़ा गा रहा था बच तो गया। लेकिन भाई ये तो बड़ी वो ही ये हाथ का हो गया, अब ये हाथ का तो यकीन था कि कामयाब हो जाएगा। तो ये विचार सोचा रहा था तो एकदम से आँख लग गई साहब जी, आँख लग गई तो ऐसी आवाज़ हुई जैसे कई बार जैसे हम सो रहे हैं और एकदम से कोई आवाज़ महसूस होगी। तो वो बोले नहीं बच्चे घबरा मत, यूँ फिर आँखें खुली तो देखते हूँ तो क्या है वहाँ, यहाँ तो कोई नहीं। तो वो वहाँ उचाड़ा हो गया था, वहाँ उचाड़ा हाइट पर पहले होता है बिल्कुल, जैसे दिल्ली का हमारे पश्चिम का जितना फर्क है ना 100 किलोमीटर पर कितना मिनट का होता है इस तरह से। तब मैं वहाँ से अपने रास्ते पर चल पड़ा। तो अब मैं चलता चलता रहा सड़क सड़क तो दाहिनी तरफ तो गैप तो था ना, तो हमारे दौलत राम साहब सूबेदार अशोक चक्रा देवड़ गांव का था जी, डेल्टा कंपनी का जी, एक प्लाटून टैंकों पर लगा रखे थे। ऐसा पहाड़ बनता था कि यूँ पहाड़ बनता था और नू और ये नू ये घाटा वो नू ने भी ऊँचे पहाड़ नू ने भी और मैं चीन में लगाओ होता था तो वहाँ वो घाटा ने कवर कर रखा था टैंकों ने जी। उसमें इन्फेंट्री की एक प्लाटून दौलत राम साहब की वहाँ थी जी। तो मैंने दिखा यार ये तो हम वहाँ गए काफ़ी पर दिखाई ना, मगर यार ये तो फौज है, अब ये नहीं पता ना अब ये चीन के हैं हमारे हैं क्यों, हमारे को तो कान भाई से वहाँ उतार के कंपनी को और पहाड़ पर चढ़ा दिया। बोला ये कंपनी तो रदांग ये चार्ली कंपनी तो ये रदांग लाइन पर जाओ। अब आगे के क्या कहानी भाई पता नहीं कितनी दूर पर है ये तो नहीं पता ना हमको बिल्कुल, कभी आया हुआ अब ये क्या अंदाजा कि ये हमारे यहाँ के चीन के। तो कैसे पता लगा सब, यूँ फासला था ना हाँ। तो मगर कैसे पता लगे हाँ। अब दौलत राम साहब यूँ क्यों वहाँ पर उस रोड पर उस टाइम पे दिन में जी कौन आदमी आएगा वहाँ जी, भाई या तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ आएंगी लेकिन अकेला आदमी यहाँ पर क्या काम जी। तो दौलत राम साहब दूरबीन से देख रहा था, बोला भाई अपने जवानों से बोला भाई ये आदमी तो मेरे को अपनी कंपनी का बचा हुआ लगता है। तब बोला रे कौन है तू इधर जा जोर से ना, कई कई जवानों ने हल्ला मारा। तब ये तसली हो गई मगर ये तो अपने ही है आया है। जाकर देखा तो मैं ऐसा ऐसा यूँ गया तो वहाँ पर एक आर्टली टैंकों वाला ना कुक हाउस में हलवा बना रहा था और चाय तैयार थी, चाय पीते जाते हलवा बना रखा। तो मैं करीब 11 या 10:30 ऐसा टाइम अंदाजन हो गया। तो जब उन्होंने सारा गया तो फिर दौलत राम साहब ने पहचान लिया, ओ बेटे निहाल सिंह क्या हाल है, मगर साहब बिल्कुल ठीक से। फिर शिव साहब को फ़ोन कर दिया, मेरे गांव का हमारे ताऊ का लड़का वहाँ था शिव साहब का ऑपरेटर। तो बोले साहब भैया फ़ोन आया है निहाल सिंह पहुँच गया वहाँ। शिव साहब सुविधा में से तंत्री राम साहब आचार्य झेंगड़ा वहाँ पर आए, बातचीत पूछी, बोले वो चाय पिलाई उन्होंने अपने आप हमारा भाई ने और सुविधा साहब ने और हलवा खिलाया चम्मच से, क्यों मेरे हाथ तो 3 महीना तो मेरे हाथ मुँह के पास नहीं गया साहब। फिर हॉस्पिटल में भेज दिया,
को कान बाइयाँ खराब हो गई, तो इस तरह से 5 दिन में तो सही हालात में जम्मू हॉस्पिटल इसमें उधमपुर हॉस्पिटल में आकर जम्मू पहुँचाए, तो फिर उन्होंने सफाई करके और फिर ये पट्टी करवाई। फिर मैं यहाँ पर 3 महीने में ठीक होकर जी और 6 हफ्ते की छुट्टी दी। फिर जून में मैं फिर पलटन में चला गया। अच्छा, तब ये हमारे कैदी आए थे ना, वो फैसला के इधर ने हमारा जो भाई भी था मैं भी पहुंच गया था, तब ये हमारे कैदी आए। पौने 2 साल में तो हमारे 8 डेड बॉडी लाए थे। हाँ। क्योंकि जो बर्फ में नहीं निकली ना वो पार्लर 96 डेड बॉडी एक भर लाए थे जी। अच्छा नियाल साहब, मैंने आपसे बात करी, अब मैं वापस साहब पे आता हूँ। अच्छा साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपको। हाँ बोलिए साहब। 17, 18, 19 नवंबर को नींद आती है साहब? 17, 18 और 19 जी, ये 3 दिन ऐसे निकलते हैं जी कि आवाज एक ही आती है जी कि मारो मारो मारो। आंख झपती है बट आंख खुल जाती है, आंख झपती है आंख खुल जाती है। हमेशा मेरी मिसिज 3 दिन तक यही बात बोलती है कि क्या हो गया तुम, दिमाग ठीक है? अब तो वो पहचान गई, जान गई, उसको पता चल गया कि ये 3 दिन सोएगा नहीं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम डेड बॉडी को लाया जी, जब ऊपर गए वहाँ का मंजर देखा जी, और उस मंजर को देख करके जितने भी 16-17 ऑफिसर और सिविल सरकारी ऑफिसर थे जी, सबकी आंखें नम हो गई। इस कुमाऊं ग्रुप को जी धन धन है कि बनी रहे जी, और जो जवानों को ट्रेनिंग देते हैं कमांडर ऑफिसर जवान रिक्रूट को एनसीओज ऐसी ट्रेनिंग देता रहे जिसकी मिसाल 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी रजांगला पे दी है। आज उसका नाम सबसे राइट में नाम रजांगला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।